चलो डिजाइन अ सिस्टम बस यर तो सिस्टम बस तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर वी विल टेक फोर रजिस्टर्स और बिकॉज uh, मैं बहुत कंजूस हूँ आई एम वेरी कंजूस एंड आई वॉन्ट टू सेव माई टाइम तो मैं क्या करूँगा आई एम जस्ट गोइंग टू टेक फोर रजिस्टर्स हेयर एंड फॉर एवरी रजिस्टर आई एम गोइंग टू एज्यूम कि हमारे फोर बिट के रजिस्टर है चलेगा चलेगा आएम नॉट टेकिंग अ डिफिकल्ट एग्जाम्पल बिकॉज ऑब्वियसली डिफिकल्ट एग्जाम्पल के लिए आई हैव टू स्पेंड अ एंटायर डे टू डिज़ाइन द सस्टम बस तो यहाँ पर मैं आप सभी के लिए बिकॉज आई एम वेरी लेजी फॉर यू ऑल ऑफ यू नो कि मैं कितना लेजी हूँ देट इज वाई आई एम गोइंग टू टेक अ स्मॉल एग्जाम्पल एम गोइंग टू टेक अ रजिस्टर विच इज ऑफ फोर बिट तो जैसे ये हमारे पास रजिस्टर है राइट फर्स्ट द फर्स्ट रजिस्टर द सेकेंड रजिस्टर द थर्ड रजिस्टर एंड दिस इज प्रजेंटिंग द फोर्थ रजिस्टर ठीक है क्या है हमारे पास ये क्या रिप्रेजेंट करें दे आर रिप्रेजेंटिंग रजिस्टर्स ठीक है दिस इज रजिस्टर ए दिस इज रिप्रेजेंटिंग रजिस्टर बी दिस इज रिप्रेजेंटिंग द रजिस्टर सी एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग द रजिस्टर डी तो ये सभी जो है वो यहां पर रजिस्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अंडरस्टूड एंड ऑल ऑफ दीज रजिस्टर्स आर फोर बिट रजिस्टर्स ये सभी जो हैं हमारे पास फोर बिट के रजिस्टर्स हैं ऑल ऑफ दीज रजिस्टर्स आर फोर बिट रजिस्टर्स क्लियर अच्छा बाय द वे दिस एंटायर थिंग आई कॉपीड फ्रॉम द बुक विच इज़ मॉरिस मैनो तो डायरेक्टली मैं मॉरिस मैनो से पढ़ा रहा हूँ सो आई होप आप मेरी फीलिंग्स को समझ पा रहे होंगे एंड आई नो दैट यू कैस आर सुपर डुपर स्मार्ट तो आप समझ जाएंगे ठीक है तो हमारे पास चार रजिस्टर्स हैं और सभी रजिस्टर जो हैं वो चार बिट के हैं ठीक है थेके? अब सिस्टम बस का काम क्या है वट इज़ द यूज़ ऑफ सिस्टम बस क्या काम है अरे पूछो ना सर अरे सर प्यार से बताओ ना सर क्या काम है देखो सर सिस्टम बस का एक बहुत आसान काम है काम ये है कि इन सभी रजिस्टर्स के बीच में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना जैसे रजिस्टर ए से बीच से हम डेटा को रजिस्टर बी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और रजिस्टर बी से हम रजिस्टर ए में ट्रांसफ़र कर सकते हैं उसी तरीके से ए सी से में सी से ए में ए सी में सी से बी में यानी कि इन सभी रजिस्टर्स के बीच में हम डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एंड हाउ कैन वी डू इट आई कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ अ सिस्टम बस मैं सभी ऑपरेशन को सिस्टम बस की हेल्प से कर सकता हूँ किसकी हेल्प से सिस्टम बस मेरी प्यारी सिस्टम बस तो यहाँ पर सभी रजिस्टर्स के अंदर यू नो यू आर गोइंग टू हैव फोर बिट तो सभी फोर बिट है तो वट आई एम गोइंग टू डू इज़ आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट दीज फोर बिटिस बिट नंबर जीरो बिट नंबर वन बिट नंबर टू बिट नंबर थ्री अगेन बिट नंबर जीरो बिट नंबर वन बिट नंबर टू बिट नंबर थ्री बिट नंबर जीरो बिट नंबर वन बिट नंबर टू बिट नंबर थ्री बिट नंबर जीरो बिट नंबर वन बिट नंबर टू एंड बिट नंबर थ्री तो हर एक रजिस्टर के अंदर आई एम हैविंग फोर बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन ठीक है अब मेरा काम क्या है कि मुझे इन सभी रजिस्टर्स के बीच में ट्रांसफर करना है डेटा को ठीक है अब मैं उसके लिए बस कैसे डिजाइन करूँगा टू डिज़ाइन अ बस हीयर आई एम गोइंग टू नीड फोर मल्टीप्लेक्सर्स कितने मल्टीप्लेक्सर के चाहिए फोर मल्टीप्लेक्सर अब आपको पता है कि मल्टीप्लेक्सर को कैसे डिज़ाइन करना है राइट right? देखो अब आपको सब कुछ पता है राइट right? अब हम उसे कंप्लेन नहीं कर सकते मैंने आपको बताया कि रजिस्टर कैसे बनाना है मैंने आपको ये भी बताया कि मल्टीप्लेक्सर कैसे बनाना है अब ये जो चीज़ें हैं ना इससे ज़्यादा क्लियर कहीं कर नहीं सकता है बिकॉज आव टेकन कहाँ से बैकग्राउंड लेकर आया मैं आपका आव टेकन फ्राम डिजिटल लॉजिक और डिजिटल लॉजिक से यहाँ पर मैं पहुँच गया राइट right? तो इस ज़्यादा तो कोई इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ाएगा ठीक है सो हियर आई एम गोइंग नीड फोर मल्टीप्लेक्सर राइट फर्स्ट मल्टीप्लेक्सर द सेकेंड मल्टीप्लेक्सर थर्ड मल्टीप्लेक्सर एंड दिस इज़ योर फोर्थ मल्टीप्लेक्सर राइट सभी मल्टीप्लेक्सर्स हैं सो दिस इज़ अ फोर क्रॉस वन मल्टीप्लेक्सर अगेन इट इज़ अ फोर क्रॉस वन मल्टीप्लेक्सर अगेन इट इज़ अ फोर क्रॉस वन मल्टीप्लेक्सर अगेन इट इज़ अ फोर क्रॉस वन मल्टीप्लेक्सर ये चार हमारे पास मल्टीप्लेक्सर्स हैं ओके सो अब फोर क्रॉस वन का मतलब क्या है कि दे आर गोइंग टू हैव वन इनपुट एंड फोर आउटपुट्स तो यहाँ पर दिस इज रिप्रेजेंटिंग वन इनपुट वन इनपुट वन इनपुट एंड वन इनपुट फोर आउटपुट्स वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर तो यहाँ पर आपके पास फोर आउटपुट्स हैं ठीक है मैं क्या करूँगा हर एक मल्टीप्लेक्सर का जो एक आउटपुट है जैसे ये आउटपुट जीरो है दिस इज़ आउटपुट वन दिस इज़ आउटपुट टू दिस इज़ आउटपुट थ्री आउटपुट ज़ीरो आउटपुट वन आउटपुट टू आउटपुट थ्री आउटपुट जीरो आउटपुट वन आउटपुट टू आउटपुट थ्री आउटपुट ज़ीरो आउटपुट वन आउटपुट टू आउटपुट थ्री तो हर एक मल्टीप्लेक्सर का जो आउटपुट जीरो है हर एक मल्टीप्लेक्सर का जो आउटपुट ज़ीरो है ठीक है तो इनमें से एक मल्टीप्लेक्सर के साथ उसको कंबाइन करूंगा राइट सो हियर ठीक है सो लेट मी एक्सप्लेन कि कैसे हम लोग कंबाइन कर सकते हैं सो आई कैन डू हियर जैसे आपका पहला मल्टीप्लेक्सर है राइट इन योर फर्स्ट मल्टीप्लेक्सर लेट मी चूज़ सम पेन कलर्स ताकि आप सभी के साथ क्लियर रहे so let me make it clear so what i can do here is i can uh, take this one and i can connect with this theek hai to sabhi ka jo output 3 hai usko main yahan par is multiplexer ke sath connect karunga i'm connecting output 3 with the first multiplexer here understood theek hai fir uske baad fir uske baad jo output 2 hai i'm going to connect the output 2 with the second multiplexer here लाइक like दिस मैं सभी का जो आउटपुट टू है वो यहाँ से कनेक्ट करूँगा ठीक है देन आफ्टर दिस अब जो हमारे पास नेक्स्ट आउटपुट है कौन सा है आपके पास द आउटपुट इज़ आउटपुट नंबर वन ओ सो सॉरी आई थिंक आव डन सम मिस्टेक मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया है सो लेट मी करेक्ट रेक्टीफाई माई मिस्टेक सो दिस सॉरी दिस विल बी कनेक्टेड हेयर सो दिस विल बी कनेक्टेड हेयर दिस विल बी कनेक्टेड हेयर एंड दिस विल बी कनेक्टेड हेयर ठीक है ये सभी मल्टीप्लेक्सर का मैंने कनेक्ट किया करेक्ट उसके बाद आई टेक अनदर आउटपुट कौन सा ले कौन सा ले कौन सा ले कौन सा ले लेट मी टेक कलर कौन सा कलर चूज किया जाए दैट शुड नॉट मैच लेट मी टेक दिस कलर ओके सो आई एम गोइंग टू टेक दिस आउटपुट वन आई एम गोइंग टू इट हियर इसको यहाँ से कनेक्ट करेंगे इसको यहाँ से कनेक्ट करेंगे और इसको यहाँ से कनेक्ट करेंगे ओके okay? and then at the last i will take output 0 i mean this bit number 0 to so, bit number 0 ko main is multiplexer ke sath connect karunga theek hai understood ab maine multiplexers ke yahan par connections kar diye hain theek hai ab main kya karunga for every multiplexer i will give a select line ठीक है हर एक multiplexer के अंदर क्या होगी हमारे पास एक so, so obviously this is फोर क्रॉस वन मल्टीप्लेक्सर अगर आपके पास फोर क्रॉस वन मल्टीप्लेक्सर है तो फोर क्रॉस वन मल्टीप्लेक्सर में कितनी सेलेक्ट लाइन होंगी यस वी विल बी हैविंग टू सेलेक्ट लाइंस कितनी सेलेक्ट लाइंस होंगी आपके पास दो ठीक है सो लेट मी मेक दिस सेलेक्ट लाइंस हियर तो सभी सेलेक्ट लाइंस को बनाता हूँ सो आई एम गोइंग टू हैव टू सेलेक्ट लाइन्स हियर दीज आर द टू सेलेक्ट लाइन्स सो आई एम गोइंग टू कनेक्ट विद दीज मल्टीप्लेक्सर्स ठीक है सो दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग योर सेलेक्ट लाइन नंबर लेट अस अज्यूम इट इज़ जीरो एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर सेलेक्ट लाइन नंबर वन तो सभी में हमने सेलेक्ट लाइन्स को कनेक्ट किया ओके सो आफ्टर दिस सेलेक्ट लाइन अब हमें क्या करना है वी हैव टू कनेक्ट द डेटा इनपुट ठीक है अब हमें डेटा इनपुट्स को कनेक्ट करना है तो लेट मी डू वन थिंग बिकॉज थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है इट माइट बी लिटिल कॉम्प्लिकेटेड तो डायग्राम्स थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकते हैं लेट मी ट्राई टू सिंप्लीफाई द डायग्राम एज मच एज पॉसिबल ठीक है तो जो डेटा लाइन के लिए आई एम गोइंग टू यूज दिस लाइन इस कलर को मैं यूज करता हूँ टू रिप्रेजेंट द डेटा लाइन ठीक है सो हियर यहां से जो भी आउटपुट होगा दैट विल बी गिवन हियर इन दिस लाइन लाइक दिस ठीक है सो यहां से जो भी आउटपुट होगा दैट विल बी गिवन हियर लाइक दिस यहां से जो भी आउटपुट होगा दैट विल बी गिवन हियर लाइक दिस और यहाँ से जो भी आउटपुट होगा दैट विल की बी की वन लाइक दिस ठीक है अब जो भी आपके पास है आई एम गोइंग टू कनेक्ट दीज आउटपुट्स टू दीज रजिस्टर्स ओके तो लेट मी नेम देम दिस इज रिप्रेजेंटिंग डी जीरो दिस इज रिप्रेजेंटिंग डी वन डिजिट वन दिस इज रिप्रेजेंटिंग डिजिट टू एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग डिजिट थ्री क्लियर तो आपकी जो डिजिट ज़ीरो है आई एम गोइंग टू कनेक्ट डिजिट ज़ीरो टू ईच ऑफ दिस रजिस्टर्स डिजिट ज़ीरो यहाँ पर ठीक है सो अगेन सो वी हैव हियर डिजिट जीरो हियर डिजिट हियर ओके अब उसके बाद वी हैव टू कनेक्ट द डिजिट वन सो डिजिट वन डिजिट वन डिजिट वन एंड डिजिट वन and then we have to connect the digit 2 so this is digit 2 digit 2 and again digit 2 and then we have to connect the digit number 3 so digit number 3 here almost done ठीक है almost done है but इसमें एक और चीज़ की कमी है that is your control signals तो अभी मेरे पास उसके लिए space नहीं है I do not want to complicate it so let me make it simply तो I can say in सभी के अंदर हमारे पास एक यहाँ पर control signal है And this control signal is for load, whether you want to load in these locations in these registers or not. theek hai so this is representing LD. to तो ye LD ko represent kar raha hai that is your load signal. theek hai so obviously we can have clear signal, we have load, we have increment. to ye sabhi registers aapke paas hain okay? अब ये काम कैसे करेगा? So diagram is almost complete. Now tell me how it it will work. Think about it. देखो, अब diagram में मैंने क्या-क्या किया है, अब समझो कि ये काम कैसे करेगा. Understood?